हे दोस्तों, समझो दो आदमी है, टॉम और केविन, जो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन फिर भी किसी दो क्राइम के लिए पुलिस ने उन्हें एक साथ पकड़ लिया है। पहले छोटे क्राइम का तो पुलिस के पास एविडेंस है, लेकिन जो उन्होंने एक बड़ा क्राइम किया है नहीं किया है उसका उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। इसीलिए उन्होंने दोनों आदमी को अलग अलग जेल रूम में बैठा दिया है जहां वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, और फिर उन्हें एक ऑफर देना स्टार्ट करा। पहले पुलिस टॉम के पास गई और उसे बोला कि अगर तुम केविन के क्राइम का कन्फेशन दे दोगे, उसके खिलाफ गवाही दे दोगे, तो हम तुम्हें फ्री जाने देंगे बिना कुछ करे, और केविन को 3 साल की जेल होगी। लेकिन अगर तुम चुप रहे और उसने तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी, तो वो फ्री होके चला जाएगा और तुम्हें 3 साल की सजा हो जाएगी। ये चीज बोल के वो वहां से चले गए, और फिर सेम यही चीज उन्होंने केविन को बोली। अब दोनों को पता है कि पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए अगर दोनों चुप रहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे तो उन दोनों को एक एक साल की सजा होगी। लेकिन अगर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बोल दिया तो दोनों को दो दो साल की सजा हो जाएगी। सो इन सारी चीजों को सोचते हुए उन्हें समझ आया कि 4 आउटकम निकल सकते हैं इस सिचुएशन से। पहला, अगर वो दोनों चुप रहे तो दोनों को एक एक साल की सजा होगी। अगर दोनों ने एक दूसरे का नाम लिया तो दो दो साल की सजा होगी, टोटल 4 साल समझो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर एक ने नाम नहीं लिया अच्छा बन के, पर दूसरे ने ले लिया, तो चुप रहने वाले को 3 साल की सजा हो जाएगी, जबकि नाम लेने वाला, धोखा देने वाला इंसान फ्री होकर आराम से चला जाएगा। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं द प्रिजनर्स डिलेमा, क्योंकि यहाँ किसी एक इंसान को क्या करना चाहिए ये चूज करना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर दोनों एक दूसरे से बात कर सकते, बहुत भरोसा होता, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्योंकि सामने वाला इंसान इस सिचुएशन में भरोसे लायक नहीं हो सकता, और उसके डिसीजन पे आपका फ्यूचर डिपेंड होगा, वो क्या बोलेगा नहीं बोलेगा ये आपको नहीं पता, इसलिए यहाँ आपका भी डिसीजन लेना काफी मुश्किल चीज होगी। एग्जाम्पल, आप बस अभी टॉम बन के सोचो, अगर वो केविन का नाम लेता है जबकि केविन चुप रहता है, तो टॉम बिना एक भी साल जेल में बिताए खुशी से अपनी फैमिली के पास चले जाएगा। लेकिन अगर केविन उसका नाम लेता भी है, जो वो जरूर ले सकता है, तो उसके भी नाम लेने से दोनों को दो दो साल जेल होगी, बजाय बस टॉम के 3 साल अकेले जेल जाने के। और सिमिलर टाइप की सेल्फिश सोच केविन को भी आएगी। सो वो दोनों को लगेगा कि धोखा देना और नाम लेना ही बेस्ट ऑप्शन होगा उनके लिए। लेकिन ऐसा सोचना बेस्ट नहीं है, क्योंकि देखो, दो दो साल मतलब टोटल 4 साल हो जाएंगे इस मतलबी सोच की वजह से, बजाय अगर दोनों चुप रहते तो वो बस एक एक साल होगा, टोटल 2 साल, जो किसी भी दूसरे आउटकम से एज अ टोटल कम है। और एक ग्रुप के हिसाब से देखें तो यही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन क्योंकि वो बस अपने बारे में सोचेंगे ना कि एज अ ग्रुप, तो इससे वो दोनों खुद को बचाने के चक्कर में एज अ ग्रुप तो खराब परफॉर्म करेंगे ही, बल्कि खुद अपने आप को भी और ज्यादा तकलीफ देंगे। चुप रहते तो एक एक साल में सब सही हो जाता, लेकिन क्योंकि दोनों बस अपने बारे में सोचेंगे, तो अब दोनों को एक के बजाय 2 साल जेल में रहना पड़ेगा, जो कि डबल प्रॉब्लम है एज अ ग्रुप और उन दोनों के लिए। वैसे तो एक बनी बनाई कंडीशन है, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन बहुत होती है, जब लोग बस अपने बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरों का नुकसान तो करते ही है, लेकिन साथ ही साथ अपने आप का भी और ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो लोग नाइस अप्रोच लेते हैं, वो दूसरों का भला करते हुए बहुत आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। सेल्फिश रहना और बस अपने बारे में सोचना, ये लाइफ में आगे बढ़ने की जरा भी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, और ये चीज को साइंस भी प्रूफ करती है। एग्जाम्पल, एक सिमिलर प्रिजनर्स डिलेमा टाइप सिचुएशन का गेम बना के साइंटिस्ट ने स्टिमुलेट किया कंप्यूटर पे, ताकि वो पता कर सके कि ऐसी सिचुएशन में बेस्ट क्या होगा करना जीतने के लिए, अगर कंटिन्यूअसली ऐसी सिचुएशन आती रहती है एक के बाद एक। तो उन्होंने बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटेजी कंप्यूटर में फिट करी, जैसे कि हमेशा धोखा देने की स्ट्रेटेजी, या 2 बार धोखा 1 बार कोऑपरेट करना, ऐसे टाइप की अलग अलग स्ट्रेटेजीज को स्टिमुलेट किया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि बेस्ट स्ट्रेटेजी जिसने सबसे अच्छा आउटकम दिया उस गेम में, वो था टिट फॉर टैट नाइस स्ट्रेटेजी। मतलब स्टार्ट में हमेशा कोऑपरेट करना, ये समझो पुराने एग्जांपल के हिसाब से बोलूं तो फर्स्ट टाइम चुप रहना और फिर नेक्स्ट टाइम वैसे ही डिसीजन लेना जैसे सामने वाले ने लिया। मतलब अगर वो चुप रहा पहली टाइम, तो आपको भी चुप रहना चाहिए, और उसने बोला तो आपको भी बोलना सही है नेक्स्ट टाइम। और यही है टिट फॉर टैट नाइस स्ट्रेटेजी, और यही नंबर 1 स्ट्रेटेजी निकली हर दूसरी अच्छी बुरी स्ट्रेटेजीज में से। इनफैक्ट टोटल जो 15 स्ट्रेटेजीज यूज की थी कंप्यूटर में, उनमें से टॉप 8 स्ट्रेटेजीज जो थी वो नाइस टाइप की स्ट्रेटेजीज थी, अच्छे इंसान वाली स्ट्रेटेजीज, बल्कि बॉटम की बची हुई 7 के 7 सब खराब और सामने वाले का फायदा उठाने टाइप की स्ट्रेटेजीज थी, जो सारी फेल हो गई थी। अब अगेन, ये एक्सपेरिमेंट ने भी साफ किया था कि अच्छा रहना अच्छा होता है, जो यूजुअली आपको अच्छे आउटकम ही देगा। मतलब फॉरगिव कर देना, जलन ना रखना, और दूसरों के जीतने पर भी खुश रहना, ये सारे नाइस नेचर खुद में रखना बेस्ट होता है अपने खुद के जीतने के लिए। जबकि दूसरी तरफ अगर आप गलत फायदा उठाने वाली स्ट्रेटेजीज, फ्रॉड करने वाली स्ट्रेटेजीज का यूज करोगे, तो शायद आप शॉर्ट टर्म के लिए तो फायदा उठा लोगे, बट लॉन्ग टर्म में इससे निकलने वाले रिजल्ट्स काफी खराब आएंगे आपके लिए। अच्छा इंसान बनके रहना रियल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस सक्सेस के लिए नहीं बल्कि सर्वाइव करने के लिए भी। और ये चीज आपको नेचर में भी कई बार देखने मिलेगी। एग्जाम्पल, चिड़िया जैसी एक बर्ड है जिसे फ्लाई कैचर बोलते हैं, वो जब किसी प्रेडेटर को देखती है तो वो अकेले उसे देखकर वहां से भाग नहीं जाती बस अपनी जान बचा के, बल्कि वो जोर से आवाज करके सिग्नल देने लगती है आसपास की फ्लाई कैचर्स को, जिससे उसकी लाइफ तो खतरे में आने लगती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन इससे सब बर्ड्स को पता चल जाता है
और वो सब मिलके अटैक करके फिर उस प्रेडेटर को भगा देते हैं अपनी सबकी जान बचाते हुए। अगर कोई एक डॉल्फिन कभी घायल हो जाती है तो दूसरी डॉल्फिन उसकी हेल्प करके उसे पानी के ऊपर लेके आती है ताकि वो सांस ले सके। ऐसे ही जब किसी ग्रुप के वैम्पायर बैट्स खाना ढूंढने बाहर जाते हैं तो मोस्टली उनमें से कुछ को खाना मिलता है पर कुछ को नहीं। सो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करते हैं कि जिन्हें ब्लड मतलब खाना मिलता है वो दूसरे बैट्स के साथ अपना खाना शेयर करते हैं ताकि ऐसे दिन पे जिस दिन पे उन्हें खाना ना मिल पाए उस दिन वो बैट्स उनकी मदद करे और ऐसे ही कोऑपरेट करके वो लंबी लाइफ जी पाते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो एस्टिमेटेड 5 में से 4 बैट्स मर जाएंगे उनमें से जल्दी। और दूसरी तरफ अगर कोई बैट सेल्फिश बनके खून मिलने के बाद दूसरों के साथ शेयर ना करे तो उनकी भी फिर कोई हेल्प नहीं करता और उनका यही सेल्फिश नेचर उन्हें जल्दी मार देता है। ये सारे एग्जांपल्स हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे हार्मनी में कोऑपरेट करके रहना जरूरी है अपने सर्वाइवल के लिए, वरना हमारा भी एज अ नेशन और एज अ होल ह्यूमैनिटी टूट के कमजोर हो जाना पॉसिबल है। आजकल कई लोग पॉलिटिकल रीजन और अपने सेल्फिश जीन की वजह से हम सबके अंदर नफरत और दुश्मनी पैदा कर रहे हैं जो उन्हें फायदा दे सके, लेकिन वो ये नहीं समझते कि ऐसा करने से शॉर्ट टर्म में तो शायद उनका फायदा हो जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हम सबका नुकसान ही करेगा इंक्लूडिंग उनका खुद का और हमारे सबसे पीछे रह जाने का सबसे बड़ा रीजन बन जाएगा। इसलिए बी नाइस नॉट सेल्फिश, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम मेरी मदद करना, ये एटीट्यूड लोगों को आगे लेके जाता है और आपके अंदर भी यही होना चाहिए। अब इसी टॉपिक को थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से बात करूं तो बाहर की एक फेमस सेइंग है कि नाइस गाइज फिनिश लास्ट, मतलब अच्छे लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। और हमारे अभी बहुत से लोग ऐसा बिलीव करने लगे हैं कि हाँ ये सच है, अच्छा होना अच्छा नहीं होता और यूजुअली अच्छे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगते लड़कियों को और दूसरे लोगों को वो इतने कूल नहीं लगते या ऐसी चीजें। पर सच तो यह है कि ये बात बिल्कुल गलत है। नाइस अच्छे लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं होती कि वो नाइस होते हैं, बल्कि उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो काफी शर्मीले होते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से ही वो लोगों को इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते। जबकि यूजुअली जो खराब टाइप के लड़के होते हैं वो कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, उन्हें बात करने आता है, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। इसीलिए आप भी ये मत सोचो कि अच्छा होना अच्छा नहीं है, बल्कि बस अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस पे काम करो। आप एनी टाइम सबको खराब लोगों से बहुत ज्यादा पसंद आओगे, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे और आप पे ट्रस्ट भी करेंगे, जो कि खराब इंसान पे यूजुअली कोई नहीं करता। हंड्रेड्स ऑफ लोगों पे रिसर्च करी गई थी जिन्होंने वॉलंटियर का काम किया था दूसरों की हेल्प करते हुए। ऑन एवरेज उन सबने साल के 100 घंटे मदद करते हुए निकाले थे, मतलब समझो एक हफ्ते में 2 घंटे। जिन पे रिसर्च करी गई और उनसे पूछा गया कि क्या ऐसा करके आपको फिजिकली हेल्दी महसूस हुआ, जिसके रिप्लाई में उनमें से ऑलमोस्ट सब ने कहा कि हाँ उन्हें ये करके काफी एनर्जेटिक फील हुआ और हेल्दी फील हुआ। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आपको अच्छा फील हुआ ये काम करके, तो 96% ने कहा हाँ उन्हें बहुत अच्छा लगा हेल्प करके। फिर उनसे पूछा गया कि क्या ये हेल्प करके आपका स्ट्रेस कम हुआ, तो इस पे 77% लोगों ने बोला हाँ इससे उनका स्ट्रेस बहुत कम हुआ। और इतना ही नहीं, ये करके उनकी डीपर लेवल ऑफ फ्रेंडशिप हुई, अच्छे रिलेशनशिप्स बने, टफ सिचुएशंस को देखकर उनके अंदर शुक्र की फीलिंग आई और बहुत अलग अलग तरीकों से अच्छा लगा। स्टीफन पोस्ट जो कि एक PhD है, वो बोलते हैं कि अगर इन टाइप्स की सेल्फ रिपोर्टेड बेनिफिट्स जो लोग महसूस करते हैं किसी की हेल्प करते हुए बाय बीइंग नाइस, अगर आप इन रिजल्ट्स को एक कैप्सूल में डाल के ऐसी दवा बना के बेचोगे तो इससे आप रातों रात बिलियंस कमा लोगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारी फीलिंग्स के लिए आपको दवा खरीदने की नीड नहीं है, बल्कि बस अच्छे बन के रहने की जरूरत है थोड़ी बहुत दूसरों की मदद करते हुए। इसीलिए हमेशा मिल के रहे, ये लॉन्ग टर्म में हम सबको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होगा। और बुरे लोगों से इन्फ्लुएंस होकर कभी अपने अंदर नफरत पैदा ना करे। ये बातें मैंने आपको द सेल्फिश जीन बाय रिचर्ड डॉकिंस बुक से बताई है। अगर आपको ये बुक खरीदना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हो, और अगर आप इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहते हो तो आप www.seekand.in/free-audiobook से जाके ले सकते हो। और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद सेंड ऑल नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट करें, तभी आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे, वरना नहीं आएंगे। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि सबका फायदा हो और हमारा देश भी तरक्की करे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।